प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होने दिया, जिससे वहां के गरीबों को उनका हक नहीं मिला। वहीं विपक्ष झूठ फैला रहा है कि बीजेपी सरकार संविधान बदल देगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा। वहीं ओबीसी, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को छीनने भी नहीं दूंगा। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछने वालों में से हूँ। वहीं प्रधानमंत्री रविवार को धौरहरा लोकसभा में सीतापुर जिले की हर गांव विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री 5:15 बजे करीब हेलीकॉप्टर से हर गांव पहुंचे। हेलीपैड से उतरने के बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल के मंच पर गए, जहां पर मौजूद सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 5 मिनट तक संबोधित किया और तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। उन्होंने नैमिषराय की तपोभूमि से भाषण की शुरुआत की। पूरी भाषण में वह विपक्षियों पर हमलावर रहे, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और मोदी की गारंटी का वचन भी दिया। प्रधानमंत्री सीतापुर के लिए कर गए कई वादे। प्रधानमंत्री ने जाते जाते कहा कि वह सीतापुर के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह क्षेत्र गन्ना का कटोरा कहा जाता है। अब इसी गन्ने की खोई से एथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसे और तेजी दी जाएगी। वहीं केले की खेती अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रही, जिसे किसान को भरपूर आमदनी नहीं हो रही। केले की खेती को और भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीतापुर तथा लखीमपुर को केला की खेती का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खेरी के दुदुआ नेशनल पार्क को इको टूरिज्म मैप का ब्राइट स्पॉट बनाना है। देश के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, यह मोदी का वादा है। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और ईश्वर भी तब आशीर्वाद देते हैं जब आप कोई संकल्प लेकर के प्रभु चरणों में जाते हैं। मैं जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है और आपके चरणों में आया हूं, इस गारंटी के साथ आया हूं, मैं इस गारंटी के साथ आया हूं अपने शरीर का कण कण और अपने समय का क्षण क्षण आपकी ही सेवा में लगाऊंगा।